अभी मैं खड़ी हूँ ललितपुर जिले के ब्लॉक मेहरौनी के मुरिया गांव में, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कितना ख़राब रास्ता है। आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे कि इतना गंदा रास्ता है। अभी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, थोड़ी बारिश में ही यहाँ की हालत ये है। यहाँ के लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति है कि अगर महिलाओं की डिलीवरी होनी होती है या कोई घर में बीमार हो गया तो एम्बुलेंस तक गाँव में नहीं पहुँच पाती है। आधा किलोमीटर से दूर गाँव है यहाँ से, यहाँ सामने बाईपास है और बाईपास तक ही एम्बुलेंस आती है, और उसके बाद मैं लोगों को या तो चारपाई में लेके आना पड़ता है या किसी से बाइक का सहारा लेना पड़ता है या फिर पैदल ही आना पड़ता है। बाइक चलाने वाले लोग भी गिर जाते हैं क्योंकि रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। शाम में 7 बजे के बाद लोगों का कहना है कि यहाँ से बाइक लेके भी नहीं निकल सकते क्योंकि ऊँचा नीचा रास्ता है और बाइक गिर जाती है। कई बार विधायक से, प्रधान से, ब्लॉक में कई जगह मांग की है लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। रास्ता खराब है। कब से खराब रास्ता? चाची कब से खराब रास्ता? वो दिनन से। कैसे आती जाती हैं? कैसे आती जाती हैं? अभी ऐसे परेशानी से। परेशानी है? हैं, परेशानी तो है। तो अभी क्या करी थी? बोट लेने आते हैं भिजा कत के करवा दे कहा था बुढ़ा और फिर बुढ़ा वाले तो फिर कुछ सुनते ही नहीं है कत के हम पहचानते ही नहीं है। और चुनाव के पहले क्या कहते हैं? पहले जा कहते हैं कि हम तुम्हारा जो ऐसा रास्ता करवा दें, जो करवा दें वो करवा दें, घर जाओ सुखा था हम कब कही थी चिंता ही नहीं। तो अभी क्या कैसे आती जाती हो आप लोग? अब जी का परेशानी से। कैसे महिलाओं को बच्चा होना हो तो क्या होता फिर डिलीवरी? बच्चन को ऐसी ऐसी लिया पाओ निगाह के खटिया पर रख के का खाए खटिया पर रख के लाना पड़ता है वो निग पाए का बच्चा। जैसे डिलीवरी होनी होती है तो एम्बुलेंस आती है? एम्बुलेंस आ तो खड़ा ही नहीं पाए। ये रास्ता जो दिख रहा है मैं देख रही हूँ काफ़ी ख़राब रास्ता है, और किस तरह की समस्याएं आती हैं ऐसे रास्ते से? रास्ते में निकलने में को मजबूर हैं आदमी, यहाँ से निकलते हैं रास्ते से तो गिर जाते हैं, बरसात में निकल नहीं पाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या किस महीने में? बरसात में होती है और हर टाइम होती है क्योंकि ऊँचा नीचा है रास्ता, रात में निकलने में गड्ढा में पैर कर जाता गिर जाते हैं। कभी शिकायत की मांग की? नहीं अभी तक तो किसी को आश्वासन नहीं मिला ना किसी। एक दफे जरूर बबोरी घाट के प्रधान जी हैं, उन्होंने मरम डलवाई थी लेकिन मट्टी डलवाई थी, ट्रैक्टर निकलते हैं तो खराब हो जाता है। स्कूल कैसे जाते गिरते फिरते जाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि स्कूल जा रहे हो और गिर गए, ड्रेस सन गई? फिर क्या होता है अगर आप स्कूल जाते हो गिर जाते हो तो फिर स्कूल जाते हो या छोड़ देते हो? दिन का दूसरे दिन जाते। पढ़ाई पे असर नहीं पड़ता? पड़ता है। स्कूल क्या कहते हैं? डंडा भी मारती है। पढ़ाई में कितना असर पड़ता है? पढ़ाई में बहुत असर पड़ता है। ये कीचड़ की वजह से, रास्ते की वजह से। तो क्या चाहते हो तुम? अच्छी रास्ता रह जाए यहाँ पर। कितनी दूर तक रास्ता खराब है? कितनी जी मीटर में है? नहीं जी मीटर में होगी कम से कम, नहीं तो जो है आधा किलोमीटर है जी। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? किस समय ज़्यादा दिक्कत आती है? बस कार्य में ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी कितने महीने ज़्यादा समस्या? अभी 2-3 महीने समस्या ज़्यादा है हम लोगों को। किस तरह आ जा पाते हैं? रात के जी समय जाए से हाँ, रात के समस्या ज़्यादा हो, लेकिन जैसे किसी भी जो है डिलीवरी हो या कोई बीमार हो जाए है तो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे पेशेंट को मोटरसाइकिल पे ले जाएं परेशानी होती है ले जाए में, तो वो मोटरसाइकिल से ले जाती है हम लोग। कितने सालों से समस्या है ये? कम से कम तो ये तो बहुत साल से है, 8-10 साल से समस्या है ज़्यादा। हम ये कह रहे कोई सुनता नहीं है इस रोड के लिए, हमेशा यहीं ऐसा ही रहता है। जैसे मैडम आती है यहाँ पढ़ाने के लिए तो वो भी परेशान होकर जैसे तैसे निकल पाती हैं यहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकलती हैं यहाँ से। ना कोई प्रधान सुनते हैं ना मैं कोई मेंबर सुनते हैं। जैसे बाजार में वहाँ मंगल दिवस में भी हम लोगों ने दरखास्त दी है तो कोई सुनाई नहीं होती इस साइड रोड की। हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर, आप खुद देख रही हैं आप। कितनी दिक्कतें होती हैं आपको यहाँ से आने जाने में? रात में करीबन 7 बजे 7 बजे के बाद कोई पैदल यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी होती है। एक दफ़ा एक ट्रैक्टर से फसल लेके आ रहे थे तो ट्राली पलट गई थी यहाँ पे, तो वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ तक कई लोग जख्मी हो गए थे इस रास्ते की वजह से। अभी क्या आप लोग कर रहे हैं? कुछ कभी मांग तो की है यहाँ पे? क्या है कोई कहता है यहाँ पे रोड ही नहीं है,
यहाँ पर चक्र रोड नहीं है, आगे तक कोई ना कहीं कब्जा कर लिया, कहीं ट्रैक्टर रख लिया, रास्ता ही नहीं है निकलने को। तो आपने अपने सांसद विधायक यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे बात की? वहाँ तक तो नहीं गया कोई, जैसे अपने यहाँ नगर अध्यक्ष के पास भी गए हैं, प्रधान के पास भी गए हैं, तो कोई हल नहीं निकला है। सर बमौरी घाट का एक मजरा है मुड़िया, वहाँ पे रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्या है। गांव के लोगों ने कहा कि हमने तहसील में भी कहा है, ब्लॉक में कहा है, लेकिन नगर पंचायत और ग्रामीण के बीच में फंसा हुआ है, तो इसलिए रास्ता नहीं बन पा रहा। ये शिकायत मेरे समक्ष अभी तक नहीं आया है, हालांकि जो भी आता है ऐसी जनहित की बातों को संवेदनशील तरीके से सुना जाता है और निस्तारित करने की पूरी कोशिश की जाती है। आपके माध्यम से ये मुझे पता चला है, मैं इसमें जांच करा के नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करता हूँ। इसमें और प्रशासन हमेशा अग्रसक्रिय भूमिका इन सब मुद्दों पर अपनाती है, तो मैं इसमें जल्दी कार्रवाई करने हेतु संबंधित को निर्देशित करता हूँ। कब तक सर शुरू कर देंगे? अब एक दो दिन में मैं पत्राचार करता हूँ, जांच करा लेता हूँ, बयान के आधार पर जांच हो जाएगी लेखपाल और अन्य एजेंसी के माध्यम से। ऐसी स्थिति होती है क्योंकि बरसात का सीजन है, तो निश्चित रूप से समस्या गंभीर है, संवेदनशील है, तो जल्दी ही मैं कराता हूँ। धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।